अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिन नवीद और हम पढ़े थे DSP। तो पहले हमने कुछ सिस्टम्स पढ़े, फिर कुछ बेसिक सिग्नल्स पढ़े और अब हम कुछ मज़ीद सिस्टम्स पढ़ेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक है फ्लिपिंग सिस्टम, एक्सपेंडिंग सिस्टम और कंप्रेशन सिस्टम। तो हम देखेंगे कि फ़्लिपिंग सिस्टम क्या है, एक्सपेंडिंग सिस्टम क्या है और कंप्रेशन सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले फ़्लिपिंग सिस्टम पे चलते हैं। फ्लिपिंग सिस्टम कोई ऐसा सिस्टम है कि अगर आप उसको सिग्नल दें x ऑफ n और वो आउटपुट दे रहा है y ऑफ n, तो y ऑफ n जो है वो इक्वल हो x ऑफ माइनस n के, सही। तो जब आप x ऑफ n इनपुट देंगे तो x ऑफ माइनस n आउटपुट देगा, यानी कि आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, आउटपुट आएगी, वो फ्लिप हो जाएगी, यानी उसको आप यूँ कह सकते हैं कि एक मिरर इमेज प्रोड्यूस करेगा। जो भी सिग्नल आप देंगे उसका मिरर इमेज प्रोड्यूस होगा सिस्टम से पास होने के बाद। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली हुई, x ऑफ n एक सिग्नल लिया हुआ है, ठीक है, रैंडम सिग्नल, मैंने अपनी मर्ज़ी से इसकी वैल्यूज रखी हैं। तो इसको हम एक फ़्लिपिंग सिस्टम से पास करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इसके पास क्या वैल्यूज़ आएंगी या आउटपुट क्या आएगी। तो यहाँ पे मैं x ऑफ माइनस n है, ठीक है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x ऑफ n इक्वल्स टू y ऑफ माइनस n, ठीक है। अब x ऑफ n की वैल्यूज़ में डालते हैं तो x ऑफ माइनस टू इक्वल्स टू y ऑफ 2, x ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू y ऑफ 1, x ऑफ 0 इक्वल्स टू y ऑफ 0, x ऑफ 1 इक्वल्स टू y ऑफ माइनस 1, इस तरह x ऑफ 2 इक्वल्स टू y ऑफ माइनस 2। तो अब इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो यहाँ पे मैंने पहले से प्लॉट किया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये प्लॉटिंग किस तरह हुई हुई है। अब हमारे पास y ऑफ 2 यानी कि ये वैल्यू जो है ये x ऑफ माइनस 2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है जो कि माइनस 2 है, तो हमने यहाँ पे माइनस 2 प्लॉट कर दिया। इस तरह y ऑफ 1 ये वाली वैल्यू x ऑफ माइनस 1 के इक्वल है जो कि 2 है, तो हमने 2 प्लॉट कर दिया। इस तरह y ऑफ 0 x ऑफ 0 के इक्वल है तो वो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। y ऑफ माइनस 1 x ऑफ 1 के इक्वल है और x ऑफ 1 की मैग्नीट्यूड है माइनस 2, तो माइनस 2 मैंने प्लॉट कर दिया। इस तरह y ऑफ माइनस 2 इक्वल टू x ऑफ 2 है तो यहाँ पर माइनस 1, तो मैंने यहाँ पे माइनस 1 प्लॉट कर दिया। अब आपके पास जो सिग्नल आया वो फ्लिप हो गया, यानी कि उसका जो राइट पार्ट था वो लेफ़्ट साइड पे आ गया और जो लेफ़्ट पार्ट था वो राइट साइड पे आ गया, और इस तरह आपका जो सिग्नल था उसका एक मिरर इमेज क्रिएट कर दिया है आपके फ़्लिपिंग सिस्टम ने। अब देखते हैं इसके बाद एक्सपेंडिंग सिस्टम को, एक्सपेंडिंग सिस्टम क्या होता है और ये आपके सिग्नल के साथ कैसे बिहेव करता है। अब आपके पास एक सिग्नल है x ऑफ n, अगर आप उसको एक्सपेंडिंग सिस्टम से पास करें तो आपके सिग्नल को एक्सपेंड कर देगा, यानी आपके सिग्नल को बड़ा कर देगा। तो अगर आपने एक x ऑफ n सिग्नल इनपुट दिया सिस्टम को और सिस्टम दे रहा है y ऑफ n आउटपुट, तो एक्सपेंडिंग सिस्टम की जो आउटपुट है वो होगी x ऑफ n बाई 2। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ y ऑफ 2n इक्वल्स टू x ऑफ n। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ x ऑफ n की, x ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू y ऑफ माइनस 4, x ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू y ऑफ माइनस 2, x ऑफ 0 इक्वल्स टू y ऑफ 0, x ऑफ 1 इक्वल्स टू y ऑफ 2, x ऑफ 2 इक्वल्स टू y ऑफ 4। तो अब हमारे पास जो सिग्नल था, ठीक है, उसने हमें आउटपुट दे दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ इंटीजर्स या इंडेसेस हमारे पास मिसिंग है, जैसे माइनस 3, माइनस 1, 1 एंड 3। अब जिस जिस जगह पे हमारे पास कोई सिग्नल की कोई वैल्यू नहीं आ रही आउटपुट में, तो उन जगहों पे हम उस सिग्नल को ज़ीरो कंसीडर करेंगे, तो इस तरह आपका सिग्नल एक्सपेंड हो जाएगा। अब इसको अगर हम प्लॉट करें, ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ जो यहाँ पे हैं उसको हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम इसको देखते हैं कि कहाँ प्लॉट होगी।
x ऑफ माइनस टू माइनस फोर पर प्लॉट होगी तो ये आ गया आपके पास माइनस टू। इस तरह x ऑफ माइनस वन जिसकी वैल्यू टू है वो माइनस टू पर प्लॉट होगी, यहाँ पे मैंने टू तो पे प्लॉट कर दिया। x ऑफ ज़ीरो y ऑफ ज़ीरो की जगह ही रहेगी, x ऑफ वन y ऑफ टू की जगह पे आ गया तो ये आ जाएगा माइनस टू टू इंडेक्स पे। इस तरह x ऑफ टू y ऑफ फोर की जगह पे आ गया, x ऑफ टू है माइनस वन और ये फोर पे आ गया। अब जिस जिस जगह पे हमारे पास जिस इंडेक्स पे हमारे पास सिग्नल की वैल्यू नहीं थी उधर हमने ज़ीरो कंसिडर कर ली। अब इस तरह हमारा सिग्नल एक्सपैंड हो गया यानी कि बड़ा हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कंप्रेशन सिस्टम को। कंप्रेशन सिस्टम में ये होगा कि अगर आप कोई सिग्नल दे रहे हैं सिस्टम को और वो आपको आउटपुट दे रही है y ऑफ n, तो y ऑफ n जो है वो इक्वल होगा x ऑफ 2n के, ठीक है। कंप्रेशन सिस्टम से आपको नाम से भी पता लग रहा है कि ये कंप्रेस करेगा सिग्नल को, सिग्नल को छोटा करेगा। तो अगर हम इसको देखें तो y ऑफ n बाई टू इक्वल्स टू x ऑफ n भी हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें हम इनपुट वैल्यूज़ देते हैं x ऑफ n की, तो x ऑफ माइनस टू इक्वल्स टू y ऑफ माइनस वन, x ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू y ऑफ माइनस वन बाई टू, x ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू y ऑफ ज़ीरो, x ऑफ वन इक्वल्स टू y ऑफ वन बाई टू, x ऑफ टू इक्वल्स टू y ऑफ वन। तो अब हमारे पास जो आउटपुट आ रही है उसमें सारी वैल्यूज़ इंटीजर्स नहीं है, यानी कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़ आ रही हैं इस तरह माइनस वन बाई टू और वन बाई टू इंडेक्स पे। अब ये जो फ्रैक्शनल इंडेक्स हैं ये डिजिटल सिस्टम में या डिस्क्रीट सिस्टम में हम इनकी वैल्यूज़ नहीं लिखते, या इनको हम डिलीट कर देते हैं या इनको इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास जो पीछे इंडेक्सेस बने बच्चे हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए, ज़ीरो वन माइनस वन। तो इनको अगर हम प्लॉट करते हैं तो अब देखते हैं कि किस तरह प्लॉट होंगे। x ऑफ माइनस टू प्लॉट होगा y ऑफ माइनस वन पे, x ऑफ माइनस टू माइनस टू है तो ये माइनस वन इंडेक्स पे माइनस टू मैंने प्लॉट कर दिया। x ऑफ ज़ीरो जो है वो प्लॉट होगा y ऑफ ज़ीरो पे तो मैंने इसको वन प्लॉट कर दिया। अब इसी तरह मेरे पास जो x ऑफ टू है वो y ऑफ वन पे होगा प्लॉट, तो x ऑफ टू है मेरे पास माइनस वन तो माइनस वन मैंने वन पे प्लॉट कर दिया। अब बाकी वैल्यूज़ को मैंने इग्नोर कर दिया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सिग्नल था वो टू टाइम्स कंप्रेस हो गया या हाफ उसकी क्या नाम है लेंथ रह गई है। तो इस तरह आपने एक सिस्टम को फ्लिप किया, फ्लिपिंग सिस्टम से एक्सपेंडिंग सिस्टम से एक्सपेंड किया और कंप्रेशन सिस्टम से कंप्रेस किया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।